वेलकम बैक टू 5 मिनट गार्डनिंग। सो आज ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। तो आज हमारा टॉपिक है लौकी, यानी लॉन्ग गार्ड, या फिर आप बॉटल गॉर्ड भी इसको बोल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक आसान सा तरीका, और आप अपने लौकी के पेड़ या फिर लॉन्ग गार्ड के पेड़ को बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा घना बना सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे घर में मैंने छत पे एक तरफ ये पेड़ उगाया हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एकदम जैसे खेतों में खेती होती है लौकी की, ये वैसा कुछ दिख रहा है, जबकि ये सिर्फ बैग में है और कुछ जो पेड़ हैं वो गमले में है। सिर्फ चार पेड़ हैं, चार पेड़ से इतना घना दिख रहा है। और ये पेड़ सिर्फ 15 दिन पुराना है। जी हाँ, सिर्फ 15 दिन पहले ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है। और सोचिए कि 2-3 महीने बाद ये कितना बड़ा हो जाएगा और इसमें कितनी ज़्यादा लौकी और कद्दू निकलेंगे, जो मैंने पेड़ लगा रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रिल का इस्तेमाल किया है। ये जो ग्रिल मेरे पास, एक पुरानी ग्रिल थी, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। आप पूरा ओवरव्यू ले लें। ये प्लास्टिक बैग, ये ग्रो बैग है जिसमें ये लौकी का पेड़ लगा हुआ है। ग्रो बैग में आप ये देख सकते हैं कि लौकी छोटी फली भी हुई है, पर अभी ये बस, जैसे कि मैंने बोला, 15 दिन पुराना है। तो क्योंकि ये ग्रो बैग में, इसलिए थोड़ा छोटा है। बाकी जो पेड़ आप बड़े बड़े पत्ते देख रहे हैं, ये ज़मीन में लगे हुए हैं। और अब आप देखिए कि इसमें एक दो तरोई के पेड़ भी हैं, जिनको स्नेक गॉड भी बोलते हैं। तरोई, उसके भी पेड़ मैंने यहाँ पे लगा रखा है। बेसिकली जितने भी इस कैटेगरी में, जितने भी लौकी कैटेगरी में जितने भी प्लांट आते हैं, आप नीचे से देखिए, ये देखिए एक तरोई फली भी हुई है। ये सिर्फ 15-20 दिन पुराना पेड़ है। तो आप देख सकते हो सामने जो पत्ती दिख रही है, ये जो पत्तियाँ दिख रही हैं, ये सारी तरोई की पत्तियाँ हैं। ये तरोई के पेड़ है, ये जड़ नीचे से नीचे जड़ है इसकी, नीचे से ये पेड़ आया हुआ है। ये मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, वो ज़मीन में मैंने पेड़ लगाया हुआ है। और वहाँ पे जो येलो कलर का ग्रो बैग में मैंने कद्दू का पेड़ एक लगाया हुआ है, राउंड गॉल्ड जिसको बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें, इसके पीछे एक टेक्निक है। ये टेक्निक है, ये जनरली जो भी लता वाला है, बेल वाले पेड़ होते हैं, या फिर अंगूर की खेती में, या लौकी करेले की खेती में, कद्दू की खेती में, खीरे की खेती में टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें एक नेट के ऊपर सारी पत्तियाँ रहती हैं, पेड़ रहते हैं, और नेट के नीचे फल लटकते हैं या सब्जियाँ लटकती हैं। ऐसे कुछ टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया। आपके घर में अगर ग्रिल हो तो आप उसका यूज़ कर लेना। देखो कितनी लंबी ग्रिल है ये, थोड़ी राउंडेड शेप में। अगर ग्रिल ना हो आपके पास तो आप कोई भी जालीदार चीज़ या फिर नेट का, किसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिसमें छेद बड़े होने चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हो ऊपर कितने घने पत्ते आ गए। ये टेक्निक आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा आपके इससे आपके पेड़ों को होगा। और आप, मैं यकीन मानिए, 15-20 दिन बाद इतनी ज़्यादा लौकी और कद्दू फलेंगे। ये मैंने पहले भी कर रखा था, पर वो अब क्योंकि ये सीज़न वाइज होता है, तो अभी जो इस सीज़न में इसके फल निकलेंगे, तो मैं 15-20 या 1 महीने बाद एक और इसकी वीडियो डाल के आपको अपडेट करूँगा, दिखाऊँगा कितने ज़्यादा फल निकले, इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पता लगे कि पहले ये ऐसा था और निकलने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर the video as most as possible। Thank you for watching।